आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चंक्स कड़ी, जो एकदम हेल्दी डिश भी है और साथ साथ टेस्ट डिश भी है, और जिसके लिए आपको ज़्यादा मसाले की ज़रूरत भी नहीं है। जो घर में मसाले अवेलेबल होते हैं उन्हीं से ये डिश बहुत अच्छी बन जाती है। बस बनाने का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा अलग किया है मैंने, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सोया चंक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप सोया चंक्स लिए हैं और उसको पानी में आधे घंटे के लिए सोख करके रख लिया है। आप चाहें तो गर्म पानी में भी 10 मिनट के लिए भी सोख करके रख सकते हैं। अब मैं सारा पानी जो है वो सोया चंक्स से स्क्वीज आउट कर लेती हूँ। सोया चंक्स में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जो है पानी निकला है सोया चंक्स से, इसको मैं पौधों में डाल देती हूँ। आप भी ऐसा करें, पानी को वेस्ट ना करें। अब सोया चंक्स को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 कप दही लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और सभी चीज़ों को हाथों से मिला लेंगे। हाथों से मिलाने से जो है हमारे जो मैरिनेशन है वो सारे सोया चंक्स पर लग जाएगा अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर गार्लिक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सोया चंक्स को ढककर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। चलिए इतने हम ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, उसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 3-4 लौंग। खड़े मसाले डालने से जो हमारी ग्रेवी का कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सभी मसालों को 2-3 मिनट के लिए ऑयल में पकने देंगे। इससे क्या है, जो मसालों का फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 बड़े प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और प्याज को 4-5 मिनट के लिए सुनहरे होने तक भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जिससे हमारा जो कलर है वो और अच्छा आएगा। ग्रेवी के लिए कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेशन में मसाले यूज़ कर लिए थे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी। आप चाहे तो टमाटर को मोटा मोटा काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। प्यूरी डालने से हमारी जो ग्रेवी है वो जल्दी बन जाएगी। अब ग्रेवी को 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो लो ही रखें। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मलाई। मैं यहाँ घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश मार्केट में जो क्रीम मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब 2-3 मिनट के लिए मलाई को मसालों के साथ भूनने देंगे। ये देखिए हमारा जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। याद रखें, जो नमक है हमने मैरिनेशन में भी डाला था। और अब मैंने यहाँ पर डाला 1/2 कप पानी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और ग्रेवी को 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर ले, बट सोया चंक्स में पानी जरूर डालें, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो सोया चंक्स सूखे सूखे बनेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो हमने मैरिनेशन वाले सोया चंक्स बनाए थे। सभी सोया चंक्स डालकर अब इसको अच्छे से हम ग्रेवी और सोया चंक्स को मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में अब मैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च डालने से जो हमारी सब्जी होती है, हमारी जो ग्रेवी होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कढ़ाई को ढक देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसके सर्विंग की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा बाउल लिया है, अब उसमें अपने सारे सोया चंक्स निकाल लेती हूँ। मैंने सोया चंक्स की रेसिपी में कोई भी स्पेशल मसाला यूज़ नहीं किया है, तो आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।